फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करने वाले कैप कट के लेटेस्ट वर्जन के अंदर हमें जो नया फीचर देखने को मिला है कॉपीराइट चेक्स का, वो किस तरह से काम करता है। और फ्रेंड्स, यहाँ पे अगर आप लोग टिकटॉक पे वीडियोस वगैरह पोस्ट करते हैं तो टिकटॉक पे अगर आपको कॉपीराइट क्लेम का कोई प्रॉब्लम आता है, कॉपीराइट का इशू आता है, तो आज की वीडियो में आप लोगों को मैं बताऊंगा कि अपनी वीडियो को पोस्ट करने से पहले, डाउनलोड एक्सपोर्ट करने से पहले, आप किस तरह से अपनी वीडियो का कॉपीराइट चेक कर सकते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे आप लोगों को ऑडियो का निशान तो दिखाई दे रहा होगा जहाँ से हम लोग अपनी ऑडियो ऐड करते हैं। जैसे ही आप लोग इस पर टैप करेंगे तो यहाँ पे आपको कॉपीराइट चेक का ऑप्शन मिल जाता है। और आप लोगों को पता ही होगा, अगर आप लोग मुझे फॉलो करते हैं तो आप लोग किस तरह से अपनी कैपकट की एप्लीकेशन को लेटेस्ट वर्जन पे अपडेट कर सकते हैं टाइम टू टाइम। तो यहाँ पे फ्रेंड्स, पहले आपको मैं बता देता हूँ कि कॉपीराइट चेक टूल काम किस तरह से करता है। अगर आप लोग किसी भी वीडियो में कॉपीराइट को पहले ही चेक कर लेना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाता है। ये फीचर उन लोगों के लिए मुतारफ कराया गया है जो कि कॉपीराइट क्लेम का या कॉपीराइट साउंड यूज नहीं करना चाहते, उन्हें पहले से पता चल जाएगा। और अगर वो अपनी वीडियो को एक्सपोर्ट भी करेंगे कॉपीराइट चेक करने के बाद, तो उनकी वीडियो सेम वहीं पर म्यूट कर देगा कैपकट खुद ब खुद एक्सपोर्ट करने से पहले, जहां पे उन्हें कॉपीराइट का प्रॉब्लम आ सकता है। फ्रेंड्स, यहां पर मैं आपको ये टूल चेक करा देता हूं कि काम किस तरह से करता है। यहां पे मैंने कॉपीराइट चेक पे जैसे ही टैप किया तो यहां पे कॉपीराइट रनिंग हो रही है। उसके बाद फ्रेंड्स, ये 99 पे जाके रुकेगा थोड़ी सी देर के लिए, 1 से 2 मिनट का समय ये लेता है, आप लोग देख ही सकते हैं। उसके बाद ये आप लोगों को एक पूरे का पूरा रिजल्ट शो करा देगा, पूरी की पूरी रिपोर्ट शो करा देगा कि कहां कहां पर आपने कॉपीराइट साउंड यूज किया है। और यहां पे देखते हैं जो वीडियो मैं एडिट कर रहा हूं उसमें कहां कहां पे कॉपीराइट का प्रॉब्लम आ सकता है। तो यहां पे हमारे सामने फ्रेंड्स ये सारे रिजल्ट शो हो चुके हैं और यहां पर टाइम भी लिखा हुआ है, और साथ में मेरे ख्याल से यहां पर जो कॉपीराइट का मैंने साउंड यूज किया उसका नाम भी लिखा हुआ आ रहा है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आप लोग कैपकट के अंदर ये जो नया फीचर ऐड किया गया ऐसे यूज कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, आज की वीडियो अगर आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगी और कैपकट से रिलेटेड और भी कोई क्वेश्चन और क्यूरीज हैं आपकी, तो वो कमेंट सेक्शन में आप मुझे पूछ सकते हैं। मिलूंगा मैं आपसे नेक्स्ट किसी हेल्पफुल वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।